सावरकर का मामला सीरियस हो जाता है। अभी तक उनकी माफी पर ही झगड़ा होता था कि सच्चे वीर हैं या माफी वीर हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन बुलबुल का पंख आ गया है। सावरकर बुलबुल की पंख पर बैठकर भारत घूम आया करते थे। मैं नहीं मानता। तब यही सब होगा। जिस कमरे में सावरकर को रखा गया था उसमें एक भी छेद नहीं था, पर एक बुलबुल उनके इस कमरे में आती थी और सावरकर उसके पंखों पर बैठकर जेल से बाहर निकलते थे ताकि वो अपनी मातृभूमि को देख सकें। कोई सेंस है इस बात की? सावरकर बुलबुल के पंख पर ही बैठकर अंडमान से भारत भ्रमण पर जाते थे। भारत में किस जगह जाते थे इसका जिक्र नहीं है। पंख ब्रेक लेते थे या नहीं, या लगातार ही उड़ते रहते थे, इसका भी जिक्र नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पंख पर उड़ता देख गांव-गांव में बच्चे दौड़ने लग जाते थे। अब इस देश में कुछ भी हो सकता है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि लोग बुलबुल की पंख पर उड़ा करते थे। इस जानकारी से NRI अंकिलों में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी कि भारत तो पहले से ही विश्व गुरु था, लोग पंख से उड़ा करते थे। रोटी फिल्म का एक गाना है, 1974 की फिल्म है, नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा कहां कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। ऐसी जनता जब मिल जाए तब बुलबुल को नाचने की भी जरूरत नहीं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आप दर्शक भी पीपल के पत्ते पर बैठकर अपने गांव चले जाए कि कल्पनाओं के जरिए हवाई जहाज या ट्रेन का किराया बचेगा। गांव से वापस आते समय पीपल का पत्ता वहीं छोड़ दीजिए, जामुन की टहनी पर बैठकर आ जाइए। कोई बचपन से मगरमच्छ से गेंद छीन ले रहा है, कोई बुलबुल के पंख से भारत की यात्रा कर रहा है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं भी बुलबुल के पंख से आपके घर प्राइम टाइम भेज दिया करूंगा। आप खिड़की पर बैठकर बुलबुल के आने का इंतजार कीजिएगा। खत्म।